हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। तो गाइस अभी शाम के 4 बज रहे हैं और अभी मैं आया हूँ ब्लॉग शूट करने के लिए। और ब्लॉग में शूट करूँगा इस पांचपुड़ा के एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे, जो है पांचपुड़ा 6 नंबर गोडाउन। मैंने एक ब्लॉग बनाया था यहाँ पे सेपरेट, अगर आप नहीं देखो तो गाइस आपका भाई का वीडियो है, आप देख लेना, चैनल पर जाकर विजिट करना, पांचपुड़ा 6 नंबर गोडाउन लेके आप सर्च भी कर सकते हो, ठीक है, आपका भाई का वीडियो आ जाएगा। लेकिन आज के वीडियो का जो मेन टॉपिक है गाइस, आज मैं आपको ये जगह तो नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि इससे पहले तो मैंने आप सबको दिखा दिया, एक झलक मैं आप सबको दिखाई देता हूँ। आप देख सकते हो गाइस ये वाला लोकेशन, ठीक है, ऐसे दिखाओ थोड़ा सा। तो गाइस ये बाइक लिए हुए तो 1 साल से ज्यादा हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको आज ड्राइव करेंगे बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से। अपाची TVS का है गाइस, अपाची RTR 160 है, आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लैक वाला, थोड़ा सामने का दिखा उसको, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मस्त दिखता है। और गाइस जब मैं इसको लेने गया था शोरूम, तो बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स का कलर था, ठीक है, जिसके रेड कलर, व्हाइट कलर, लेकिन पसंद आया ब्लैक कलर। और गाइस सबसे मजे की बात यह है कि लेने गए थे पल्सर 220, ठीक है, लेकिन बाद में पसंद आया, TVS का शोरूम गए थे, फिर पसंद आया ये वाला बाइक, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और बहुत मस्त लगा, इसलिए ये वाला ले आए और इसको आज ड्राइव करेंगे और देखते हैं कैसा ये बाइक। गाइस सिर्फ 1 पर्सन के लिए नहीं, फैमिली के लिए भी बहुत ज़्यादा सही है, जो फैमिली के लिए सोचते हैं, ठीक है, ये बाइक बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल और मस्त भी है, मतलब स्टाइलिश तो जो है आप देख सकते हो, ठीक है, सामने से कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है, खतरनाक टाइप का। बस ये कहना चाहता हूँ गाइस, एक अच्छे बजट में बहुत मस्त बाइक है, ठीक है, इसको ज़्यादा प्राइस तो नहीं लिया था, कम बजट में बहुत मस्त बाइक है गाइस, मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। और आपको अपाची कैसा लगता है गाइस मुझे कमेंट करके बता देना, लेकिन फिलहाल इसको ड्राइव करते हैं गाइस। अब इसको मैं ड्राइव करने वाला हूँ, देखता है कैसा है, तो फिलहाल आप लोग भी देखो। लिटरली गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आया ये वाला बाइक ड्राइव करके। वैसे तो गाइस मैं आप सबको बता दूँ, ये डबल डिस है, अगर आप लेना चाहते हो तो सिंगल डिस में भी आपको ये वाला गाड़ी मिल जाएगा। और अभी इसका एक अलग वेरिएंट निकला है, आप सर्च करके देख सकते हो, ये थोड़ा सा मतलब ओल्ड तो नहीं, मतलब बाद में ही निकला था इससे पहले, लेकिन अभी इसका नया जो है वर्सन निकल गया है। तो काफ़ी ज़्यादा मस्त लगा मुझे ये वाला बाइक ड्राइव करके, आप सबको ये वाला बाइक पसंद है कि नहीं गाइस मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, मुझे आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। थोड़ा सा गाइस मैं आप सबको ये जगह के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि बताना मुझे ज़रूरी लगता है ये जगह गाइस, अभी तो ठीक है 3 बजे 4 बजे 5 बजे 5:30 तक, लेकिन शाम को गाइस मुझे नहीं लगता ये जगह अच्छा है, ठीक है, सेफ नहीं है, क्योंकि मैं आप सबको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो गाइस, ये देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे मतलब पहले भी मैं बहुत कुछ सुना हूँ इस जगह के बारे में, और मुझे तो यही लगता है ये जगह बिल्कुल सेफ नहीं है, शाम को बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है और ये 6 नंबर गोडाउन है, ठीक है, मुझे तो सेफ नहीं लगता है। अगर आप आते हो गाइस बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ शाम को मत आओ, दिन में ऐसे ही आप आके यहाँ पे घूम सकते हो, फोटो वोटो शूट करते हो, बहुत ज़्यादा बढ़िया प्लेस है, और शाम को नहीं आओ तो बेटर है। अच्छी नॉर्मली थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो, लेकिन शाम को बिल्कुल सेफ नहीं है गाइस, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कोई रहते भी नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल सा एक गोडाउन है, बहुत ही पुराना। और ये बाइक जो आपने देखा गाइस अपाची RTR 160, ये मेरे भाई का ही है, और आज गाइस मैंने इसको ड्राइव किया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ गाइस, ये कोई स्पॉन्सरशिप वाला वीडियो है नहीं जो मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, वैसे भी गाइस इतने छोटे से चैनल को स्पॉन्सरशिप देगा भी कौन। इस वीडियो को यहीं पे एंड नहीं करेंगे गाइस, अभी इसको और भी ज़्यादा ड्राइव करेंगे हाईवे पे, थोड़ा सा मोटो ब्लॉगिंग भी करेंगे, देखते हैं कैसा है। तो अभी निकलते हैं गाइस यहाँ से, और ये देखो यहाँ से मालगाड़ी भी जा रहा है भाई, फिर गाड़ी चलाएगा अरमान।
और देखो भाई यहाँ पे हो रहा है फोटोशूट। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं कॉलेज तरफ, मतलब पांचकुड़ा बोन वाली कॉलेज का रास्ता ये वाला, ठीक है, अंदर से पांचकुड़ा बाजार से ही जा सकते हैं यहाँ से। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं, ये रास्ता है गाइस, आप देख सकते हो 6 बज रहे हैं भाई, 6:12 हो चुका है, आप देख सकते हो पीएम, मतलब अभी शाम हो चुका है। और अभी गाइस इसको टेस्ट करेंगे, इसका माइलेज टेस्ट, ठीक है। तो आते टाइम गाइस मैंने यहाँ पे 100 रुपया का पेट्रोल डाला, तो जैसे कि गाइस आप सबको पता है अभी 110 वगैरह कुछ है 1 लीटर का, तो 100 रुपया डाला गाइस लगभग। अभी देखते हैं गाइस कितना ड्राइव होता है, मतलब कितना चलता है बहुत। इसका पहले तो गाइस मैं थोड़ा सा ड्राइव किया, लेकिन फिर भी गाइस अप्रोक्स मैं आप सबको बताऊंगा, तो थोड़ा सा यहाँ से ड्राइव करता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ कि बिल्कुल खाली सी सड़क पे, हाईवे नहीं है, बिल्कुल एक लोकल सा रास्ता है, लेकिन रास्ता तो है लेकिन बहुत ज़्यादा मस्त रास्ता है गाइस। आप देख सकते हो कोई बिल्कुल नहीं है, कोई कोई जो है आगे उधर बैठा था, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे कोई नहीं है जहाँ पे मैं अभी फिलहाल ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है, काफ़ी कम लोग हैं। चलो गाइस इसका माइलेज टेस्ट करते हैं, अभी और थोड़ा आगे जाते हैं और जाकर मैं आप सबको अप्रोक्स बताता हूँ। कोई नहीं है भाई आगे गाइस, आप देख सकते हो ये रास्ता से बिल्कुल जो है मेचेदा जाना होता है, ठीक है। तो फिलहाल गाइस अभी मैं मेचेदा तो नहीं जाऊँगा, बिल्कुल ऐसे माइलेज टेस्ट करने के लिए मैं आया, क्योंकि ये रास्ता जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, ज़्यादा रास्ता ख़राब भी नहीं है। आगे जो है थोड़ा मोड़ा घर था तो वहाँ पे मैं ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि जब लड़की बच्चे औरत ये सब रहते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कैमरा पे शूट करने के लिए बिना बोले, विदाउट परमिशन के। तो इसलिए मैं सोचा थोड़ा खाली सड़क होगा तो वहाँ पे शूट करने आसानी होगा, माइलेज ही बताना है ना, तो फिर मतलब ऐसे क्या ही करना। तो फिलहाल गाइस और थोड़ा आगे जाते हैं और आप सबको बताते हैं। गाइस ये बाइक ड्राइव करके तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और गाइस अगर फील की बात करूँ तो उतना ज़्यादा नहीं जितना आप एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है। सुपर बाइक का तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सुपर बाइक नहीं है गाइस, ऐसे ही नॉर्मल से ऊपर आप बोल सकते हो, मतलब स्टाइलिश अगर आप ड्राइव करते हो तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और अगर आप फैमिली मेम्बर को भी लेके जा सकते हो ये वाला बाइक में, ठीक है। दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब बिल्कुल स्टाइलिश है। 160 है इसका, 180 भी आता है, अगर आप लेना चाहते हो गाइस बिल्कुल ले सकते हो, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। काफ़ी लोग बाइक के बारे में मुझे पूछते हैं, ठीक है, कि मतलब अपाची कैसा है, मतलब ड्राइव कर रहा हूँ इसलिए पूछते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से गाइस बिल्कुल बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और मैं अपना राइड एक्सपीरियंस, ड्राइव एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर किया। तो गाइस अभी ऐसी लोकेशन पे हूँ, मतलब ट्रेन का भी बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे है शायद, वहाँ से बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है। तो इस वीडियो को गाइस यहीं पर एंड करता हूँ, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप सब्सक्राइब नहीं करके ऐसे ही चले जाते हो, मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ आप सबके लिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दो, और चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और भी इंटरेस्टिंग और कमाल की ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय एंड लव यू ऑल। चल ड्राइव करेगा।